हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी किचन में। आज हम बनाएंगे बनाना शेक। तो हमारे घर में बहुत सारे केले पड़े हुए थे, कई दिनों से ये केले ख़राब हो जा रहे थे, इसको कोई खाता नहीं था। तो हमने सोचा आज चलो एक नई और अच्छी हेल्दी रेसिपी बनाते हैं, तो सब बच्चे भी इसे खा जाएंगे और केला भी फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 3 केला लिया है, इसका छिलका सबसे पहले हम उतार लेंगे। मैंने इन्हीं केलों से पूड़ियाँ भी बनाई है, वो मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो इन केलों को मैंने छिलके उतार लिए और इनको मैं कट कर लेती हूं। अब इसे मैं एक मिक्सी के जार में डालूंगी। तो यहाँ पर मैंने मिक्सी का जार लिया है, इसमें सभी केलों को मैं डाल दूंगी। अब इसके अंदर डालूंगी 4 बड़ा चम्मच चीनी और 2 बड़ा चम्मच नारियल का बुरादा है, डेसिकेटेड नारियल, और इसमें 2 गिलास दूध डाल देती हूँ, ठंडा दूध है। अब मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी, इसके बाद देखेंगे। ये मैंने इसे पीस लिया। अब मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 गिलास, आप इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, काजू बादाम जो भी आपके पास है, आपको जो भी पसंद है, या आपके पास टूटी फ्रूटी है तो भी ले सकते हैं। तो मैंने 2 कप लिए हैं और कप के अंदर 3 बर्फ़ के टुकड़े डाल दिए हैं और इसमें ये डाल देती हूँ बनाना शेक। अब इसके अंदर मैं डाल देती हूँ, मेरे पास टूटी फ्रूटी वाली आइसक्रीम है, आपके पास जो भी आइसक्रीम है, अगर आइसक्रीम नहीं है तो ऐसे ही बच्चों को दे सकते हैं पीने के लिए। मैंने दोनों गिलास में आइसक्रीम डाल दिया, 1-1 चम्मच। अब इसके अंदर मैं डालूंगी चॉकलेट सिरप, मेरे पास है तो इससे डेकोरेट कर लेते हैं, जिससे बच्चों को पता भी ना चले और बहुत ही मज़े से पी भी ले बहुत आराम से बनाना शेक, और केला भी हमारा वेस्ट नहीं होगा। तो आप इन केलों से पूड़ियाँ भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। हमारा ठंडा ठंडा बनाना मिल्क शेक बन के तैयार है, तो बच्चों को पिलाइए।